एक जवान लापता था जिसे बाद में ये पता चला कि वो नक्सलियों के कब्जे में है। कल दोपहर को 12 बजे करीब एक फ़ोन आया था माओवादियों की ओर से एक अननोन नंबर से, जिसमें मुझसे ये कहा गया कि जो जवान लापता है वो उनके कब्जे में है और उसे 2 दिन में छोड़ दिया जाएगा, घायल है उसका इलाज किया जा रहा है। जिसके पश्चात हम इंतज़ार कर ही रहे थे कि अगला फ़ोन जवान को लेकर कब आएगा माओवादियों की ओर से। तो आज करीब अभी 1 घंटा पहले मुझे एक दोबारा फ़ोन आया, एक दूसरे नंबर से फ़ोन आया, जिसमें माओवादी नेता ने कहा, उसने पहले एक पर्चा भेजा जिसमें उसने जानकारी दी कि माओवादियों की ओर से उस मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए हैं, उसके अलावा 14 हथियार माओवादियों द्वारा लूटे गए हैं और उन्होंने इस मुठभेड़ में जवानों के नुकसान का भी जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने जो 4 माओवादी मारे गए हैं उनकी तस्वीर भी जारी की है, जो लूटे गए हथियार हैं उसे भी जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने जवान को लेकर एक नई बात ये कही है कि जवान को 2 दिन में, कल भी उन्होंने 2 दिन कहा था, आज भी उन्होंने कहा कि छोड़ देंगे, परंतु एक डेलीगेशन टीम बनाया जाए और सरकार या बस्तर आईजी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर आईजी एक टीम का गठन करें या फिर सरकार एक टीम का गठन करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जवान को रिहा तो करेंगे पर बीच में अगर जवान कोई नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी आईजी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि आईजी को इस चीज़ को करना पड़ेगा कि ऐसा कोई घटना नहीं होगा, क्योंकि जवान सुरक्षित है, उसे हम रिहा करेंगे, परंतु एक टीम ऐसी बने जो जवान को सकुशल पुलिस तक या सरकार तक पहुंचा दे। उन्होंने कहा कि यार आप या तो उस जवान का वीडियो या एक फ़ोटो जारी करें ताकि परिवार और हमें भी पता चले कि जवान वास्तव में सकुशल है या नहीं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी फ़ोटो या वीडियो जारी किया जाएगा।